आज की वीडियो में बात करेंगे बिड बीएनएस आईएनआर विड्रो प्रॉब्लम के बारे में। तो बहुत लोगों ने बिड बीएनएस से आईएनआर विड्रो पे लगाया है, लेकिन किसी का बैंक अकाउंट पे आईएनआर नहीं आ रहा है। विड्रो का मनी किसी का बैंक अकाउंट पे क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है और आप कैसे बिड बीएनएस से आईएनआर को क्रेडिट करोगे आपका बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने कंपनी के साथ थोड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, कंपनी की तरफ से थोड़ी बहुत रिप्लाई मेरे पास आया है। आपको सारे डिटेल्स दूंगा और यहाँ पर मैंने भी विड्रो लगाया था, मेरा विड्रो बैंक अकाउंट के अंदर आया है या फिर नहीं, सब कुछ आपको डिटेल्स के साथ बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर से आप कंप्लीट देखना बिना स्किप किए, ठीक है। और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है बिड बीएनएस का आईएनआर विड्रो पे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना याद से, तो आप भी जो कि बिड बीएनएस का हर एक अपडेट मिल जाएगा, ठीक है आपके पास। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको कि बिड बीएनएस की तरफ से मेरे को क्या मैसेज आया है और मैंने क्या मैसेज किया है। तो यहाँ पर देखो, मैंने बिड बीएनएस को मेल किया था कि मेरा विड्रो जो कि बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बिड बीएनएस की तरफ से मेरे पास एक रिप्लाई आया है मेल पे। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे को लिखा, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि क्या लिखा है। तो उन्होंने यहाँ पर मेरे को लिखा, थोड़ी सी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका विड्रो जो कि 15 से 21 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। यहाँ पर सैटरडे संडे जो कि यहाँ पर नहीं काउंट किया जाएगा और कोई बैंकिंग जो छुट्टी रहते हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा। 15 से 21 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट पे आएगा और बोल रहा है कुछ इशू वगैरह चल रहे हैं विड्रो का बैंकिंग के साथ, तो इसलिए यहाँ पर विड्रो का थोड़ा लेट हो रहा है। और ये बिड बीएनएस ने लिखा है कि कुछ न्यू तरीका इन लोग ढूंढ रहे हैं जिससे लोगों को जो कि जल्दी से विड्रॉ मिले, ऐसा लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर से जो कि यहाँ पर मैंने जो कि इनको एक मेल किया था कि इंस्टेंट विड्रॉ कब तक जो कि स्टार्ट होगा, इंस्टेंट विड्रॉ पे आपको जो कि तुरंत मिल जाता है पैसा, वो अभी डिजेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इंस्टेंट विड्रॉ स्टार्ट होगा, इसका कोई भी कन्फर्म डेट नहीं है। तो यहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉ का कोई भी डेट यहाँ पर मेरे को नहीं बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने सोचा पैसा कब तक आएगा क्या पता, मैं इसको जो कि कैंसिल कर देता हूँ। तो उनको मैंने यहाँ पर लिखा है 21 दिन से ज़्यादा मेरा जो कि आईएनआर विड्रो का टाइम हो चुका है, आप मेरा जो आईएनआर है 20,000 करके दो बार मैंने लगाया था, तो उसको आप कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि देखो यहाँ पर मैंने लगाया था विड्रो। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजने के बाद इन्होंने मेरे को रिप्लाई किया है कि आपका जो विड्रो है, आपका विड्रो 24 आवर्स के अंदर कैंसिल हो जाएगा, टीम के पास मैंने भेज दिया है। तो देखो 12 से 14 घंटे के अंदर मेरा जो विड्रो है कैंसिल हो गया और ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट पे जो कि 40,000 रुपये ऐड हो चुका है, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा जो कि ट्वीट भी किया था, ट्विटर पे भी सेम यहाँ पर रिप्लाई आया है, तो उसको मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बिड बीएनएस का मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखो जो बिड बीएनएस का जो कॉइन है, बिड बीएनएस का अंदर जितने भी सारे कॉइन है, चाहे वो TRX हो, यहाँ पर TRX देखिए 5.08 रुपये, ठीक है। उसके बाद XLM देख लीजिए, XLM का प्राइस है 9.68 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि जो प्राइस रहता है, बाकी जितने इंडियन एक्सचेंज है सारे एक्सचेंज से यहाँ पर प्राइस हाई है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। अगर मान लो आप यहाँ पर से TRX बाय करके किसी दूसरे एक्सचेंज के अंदर सेंड करोगे, तो आपको इंस्टेंटली 12 से 15% का लॉस हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो इसलिए मैं जो कि यहाँ पर से दूसरे एक्सचेंज के अंदर सेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से 1% TDS भी कटेगा। इसलिए आपको जो कि INR यहाँ पर अगर बना लिया है, आपके पास अगर बिड बीएनएस के अंदर INR है, तो उसको आप किसी दूसरे एक्सचेंज के अंदर अगर सेंड करोगे तो आपको सीधे जो कि 10 से 15% लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो कि यहाँ पर से सीधे जो कि कोई कॉइन बाय करके दूसरे एक्सचेंज पर सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो आपके पास अगर लॉस सहने का जो कि हिम्मत है इतना 10 से 15%, तो आप जो कि दूसरे एक्सचेंज पर सेंड कर सकते हो TRX वगैरह बाय करके, तो ये आसानी का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ट्रांजेक्शन पर उतना ज़्यादा फी नहीं लगता है। लेकिन आपको आपके पास अगर INR भरा है, आपने TDS BDS कार्ड बढ़ के यहाँ पर INR इकट्ठा कर लिया है, तो आपको इंतज़ार के अलावा और कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। एक रास्ता जो कि आपको जो 15 से जो कि 10% आपको देना पड़ेगा, ठीक है, लॉस। तो यहाँ पर देखो, आज आपके सामने मैं एक विड्रो लगाऊंगा
और वो विड्रो देखता हूँ कितने दिन पे आता है, आपको मैं अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। आपको अगर अभी विड्रो नहीं करना है तो मत करिए, मैं यहाँ पर विड्रो लगा के मैं देखता हूँ जो कितना दिन पे मेरा विड्रो मेरा बैंक अकाउंट पे आता है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा विड्रो करूँगा ताकि थोड़ा जल्दी ये लोग दे दें। यहाँ पर इंस्टेंट विड्रो करेंटली डिजेबल लिखा है रेड कलर का, और यहाँ पर नॉर्मल विड्रो है लेकिन फ्री विड्रो होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम लगा देता है। तो मैंने अभी BDBNS के अंदर एक विड्रो लगा दिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखो विड्रोल्स के अंदर 2847 रुपये का मैंने विड्रो लगाया है, और ये विड्रो लगाया है 16 सितंबर का डेट है आज। और मैं वेट करूँगा कि कितने दिन पे ये विड्रो मेरे पास आता है मेरा बैंक अकाउंट के अंदर, और मैं आपको इसका अपडेट शेयर करता रहूँगा कि मेरे बैंक अकाउंट पे आया है या फिर नहीं। और इसका और कोई न्यू तरीका है विड्रो वगैरह करने का? यहाँ पर देखो मेरे पास डॉलर भी है लेकिन मैं यहाँ पर से P2P नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर P2P के अंदर विड्रो करता हूँ तो यहाँ पर USDT करता हूँ और यहाँ पर कंफर्म करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा बैलेंस 0 शो हो रहा है, लेकिन मेरे पास डॉलर पड़ा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डॉलर पड़ा है, $20 मेरे पास है, ठीक है। तो P2P नहीं, यहाँ P2P भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, वेट करना है। और अगर आप लॉस सह सकते हो तो आप दूसरे एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर करिए, जेपे, वजीरेक्स, बिटवीनेक्स नहीं सॉरी यूनोकॉइन, और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर ट्रांसफर करके विड्रॉ कर सकते हो, कर लीजिए। और बिटवीनेक्स के अंदर अभी तो प्रॉब्लम चल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेन प्रॉब्लम क्या है बताए? मेन प्रॉब्लम है कि सरकार ने जो 1% TDS लगाया है, इसलिए जो इंडियन एक्सचेंज है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिर गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है। लेकिन BDBNS का फिर भी सही चल रहा है, पता नहीं BDBNS का प्रॉब्लम क्यों है इतना। तो देखते हैं, वेट करने के अलावा कोई काम तो हम नहीं कर सकते, तो वेट करिए और क्या। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हर एक एक्सचेंज का अपडेट मिलता रहेगा। और देखो अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आ रहा है एक्सचेंज से रिलेटेड या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, तो कमेंट पे बताओ, उसका भी मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना दूंगा सोल्यूशन वोल्यूशन लेके।